रायन इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी आज एक रैली निकालने आए हैं और किसानों को अपील करना चाहते हैं कि पराली को ना जलाएं, क्योंकि हमारा वातावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है और हमारा जो वातावरण है वो मौत की सांसों पर आ चुका है। इसलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप दिवाली पर पटाखे भी ना जलाएं और ना ही पराली को जलाया जाए, क्योंकि हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, बहुत बीमारियों का शिकार भी बन रहा है। हाँ जी राय, कहाँ से आए हो? रायन इंटरनेशनल स्कूल पटियाला। अच्छा, आज किस संबंध में रैली निकाल रहे हो, क्या संदेश देना चाहते हो? कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, जो पटाखों के लिए हम पैसे गरीबों को दान करेंगे तो उनका भी भला होगा, उनकी दिवाली शुभ होगी, और जो हम मिट्टी के दिए खरीदते हैं अगर हम वो उनसे खरीदते हैं तो उनका भला होगा, और चाइनीज लाइटें जलाने की जगह अगर हम सरसों के तेल के दिए जलाएं तो International School Patiala. Today we are here for a rally on cracker free Diwali. This is for that we should celebrate Diwali without crackers, as burning crackers harms the environment. Diwali is also known as one of the most noisiest festivals in India. Moreover, if we want to save nature, we have to refrain ourselves from burning crackers. So we should pledge to go green and celebrate an eco-friendly Diwali this year. आप कहाँ से हो? हम रायन इंटरनेशनल स्कूल पटियाला के विद्यार्थी हैं। हम आज यहाँ पर किसानों को पेट्रोल बर्निंग को रोकने की अपील करने आए हैं। आज एक फसल पकने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसे पराली कहते हैं। एक अगली फसल की तैयारी से पहले किसान इस पैडी को जलाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी अगली फसल बढ़िया होगी, परंतु यह सच नहीं है। पैडी को जलाना हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसका जो धुआं होता है वो वायुमंडल में जाकर हमारी ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसीलिए हम सभी का यही अनुरोध है कि आप पैडी को ना जलाएं तथा पर्यावरण को। हमारा वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है इसकी वजह से कि हमें कई बार शाम को ढलता हुआ सूरज तक नहीं दिखाई देता। चारों तरफ पराली का धुआं हमारी
हमारी हवा को प्रदूषित करता जा रहा है, जिससे कई बार निकलना बाहर घर से भी मुश्किल हो जाता है, आंखों में जलन होने लगती है प्रदूषण के कारण। दिल्ली में तो कई स्कूल भी इस पराली के धुएं के कारण बंद कर दिए गए हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां जैसे कि लंग फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी आदि भी हो सकती है। सारे पता ही है दिवाली के दो इतिहास है, सिखां दा अड्डे इतिहास है, हिंदुआं दा अड्डे इतिहास है, पर असीं मिलजुल के सारे इकट्ठे होकर मनाने। जिवें हिंदुआं दा इतिहास है कि श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास कट के वापस आए सी, उन्हां दी खुशी च दिवाली मनाई जाती है। और सिखां दे 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ग्वालियर के किले चों मुसलमाना की कैद चों 52 राजे छड़ा के आए सीगे, असीं उसकी खुशी तो मनाने। तो जिवें सारे पटाके चला के मनाने बहुत गलत है, असी दीवे चला सकते हैं, मोमबत्तियां चला के मना सकते हैं। पटाकों नाल बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कईयों को घट सुनता है, कईयों को वध सुनता है, उन्होंने नॉइस पोल्यूशन बहुत होती है जी, और एयर पोल्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा होता है। और लोग दिन पराली बहुत सड़ते हैं, इन्हों के होर भी कई सोल्यूशन है कि लोग मशीन राही भी पराली साड़े बिना भी काम चला सकते हैं। इन्हां नाल बच्चों को भी कई प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की कई प्रॉब्लम होती है, कई की अखा बहुत प्रॉब्लम होती है जी। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं नायन इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मैं आपके स्टूडेंट्स ने आज यहाँ अर्बन स्टेट मार्केट में ना कोई अवेयरनेस रैली निकाली, किस संबंध में, क्या मकसद है उसका? हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, आजकल जैसे पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है स्टबल बर्निंग पे, और दिवाली के साथ साथ क्रैकर्स बर्निंग बस्टिंग का भी मौका आ रहा है, तो हमने बच्चों को और साथ साथ आसपास के लोगों को अवेयरनेस के लिए रैली निकाली बच्चों ने, जिसमें हमने रिक्वेस्ट की है किसानों से कि वो स्टबल ना जलाएं और लोगों से कि वो क्रैकर्स बर्स्ट ना करें दिवाली के ऊपर, ताकि पोल्यूशन ना हो। हम बच्चे जो हैं वो यही मैसेज दे रहे हैं कि पैसों पटाखों पर वेस्ट करने की बजाय अगर हम उससे कुछ खाने का सामान ले लें, कुछ पढ़ाई के लिए कलर्स ले लें या कोई बुक्स वगैरह लेके गरीब बच्चों को दे दें, तो एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा जिससे सोसाइटी की बेहतरी हो सकती है। और जैसे उन्होंने स्टबल बर्निंग किसानों को अपील की है हाथों कुछ बच्चों ने, और जैसे कुछ ट्रैक्टर खड़े थे रोड साइड पे, उनको भी तो यही बोला है कि स्टबल बर्निंग से एक तो पोल्यूशन हो ही रहा है, दूसरा सॉयल इरोजन और सॉयल फर्टिलिटी भी खराब हो रही है, तो क्लाइमेट भी बचेगा, एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा, किसानों के अपने परिवार, पूरा देश, आसपास का एनवायरनमेंट सब ठीक रहेगा अगर वो स्टबल बर्निंग नहीं करते हैं। देर आर डिफरेंट वेज, डीसी साहब ने भी एक उपराला लिया है जिसके अंदर वो बॉक्सेस बन रहे हैं, या फिर हम कोई केमिकल यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ जो एंजाइम्स हैं वो क्रिएट होते हैं, जिससे वो स्टबल वहीं की वहीं एज मन्योर में कन्वर्ट हो जाती है। हम बच्चे जो हैं वो यही मैसेज दे रहे हैं कि पैसों पटाखों पे वेस्ट करने की बजाय अगर हम उससे कुछ खाने का सामान ले लें, कुछ पढ़ाई के लिए कलर्स ले लें या कोई बुक्स वगैरह लेके गरीब बच्चों को दे दें, तो एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा जिससे सोसाइटी की बेहतरी हो सकती है। और जैसे उन्होंने स्टबल बर्निंग किसानों को अपील की है हाथों कुछ बच्चों ने, और जैसे कुछ ट्रैक्टर खड़े थे रोड साइड पे, उनको भी उनको यही बोला है कि स्टबल बर्निंग से एक तो पोल्यूशन हो ही रहा है, दूसरा सॉयल इरोजन और सॉयल फर्टिलिटी भी खराब हो रही है, तो क्लाइमेट भी बचेगा, एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा, किसानों के अपने परिवार, पूरा देश, आसपास का एनवायरनमेंट सब ठीक रहेगा अगर वो स्टबल बर्निंग नहीं करते हैं। देर आर डिफरेंट वेज, डीसी साहब ने भी एक उपराला लिया है जिसके अंदर वो बॉक्सेस बन रहे हैं, या फिर हम कोई केमिकल यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ जो एंजाइम्स हैं वो क्रिएट होते हैं, जिससे वो स्टबल वहीं की वहीं एज मन्योर में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए एनवायरनमेंट तो खराब हो ही रहा है, और अभी भी हम सुन रहे हैं कि जो आदमी स्टबल बर्निंग हो रही है उसका धुआं दिल्ली तक पहुंच रहा है, वहाँ के स्कूल्स बंद हो गए हैं, यहाँ भी हम बच्चों को नोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं
हेल्थ पे असर पड़ रहा है, सांस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। कल को ये स्थिति पंजाब की भी ना हो जाए कि स्टबल बर्निंग इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि यहाँ भी स्कूल बंद करने पड़े और ज्यादा नुकसान होगा सेहत का भी, उस चीज को रोकने के लिए अगर अभी से इनिशिएटिव लेंगे, पिछले साल से फर्क पड़ा है, अगर यही कंटिन्यू करते हैं तो हो सकता है आने वाले सालों में ये बिल्कुल बंद हो जाए। हर कोई अगर छोटा छोटा इनिशिएटिव लेगा तो मुझे लगता है कि हम इस में कामयाब हो जाएंगे। हरप्रीत सिंह है तो मैं रियान इंटरनेशनल स्कूल के टीचर हाँ। अब साढ़े स्कूल के बच्चों वालों अर्बन स्टेट फेज टू की मार्केट विच अते साइड रोड से फुटपाथ पर खड़ के बच्चों ने एक ग्रीन दिवाली का मैसेज कन्वे किया, जिस के बच्चों ने सब तो पहले तो पराली साड़न के लिए रोकथाम किसानों को सुझाव दिए गए और एक वधिया दिवाली मनाने के लिए जिहड़े पैसे के लोग पटाकों उपर बर्बाद करते हैं उस पैसे नाल ही किसी गरीब परिवार की दिवाली सुहावनी बन सकती है। बच्चों ने सारे प्रोग्राम बहुत ही सुचाजे ढंग के नाल जागरूक किया गया समाज।